वेलकम बैक इन ऑटोकैड 2021 ट्यूटोरियल्स। और इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑटोकैड को कैसे हम डाउनलोड करते हैं एंड कैसे इंस्टॉल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर कर दूं कि आपको ऑटोकैड का किसी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोडेस्क आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट वर्जन जो है प्रोवाइड करता है। आप डायरेक्टली ऑटोडेस्क की वेबसाइट से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए लेटेस्ट वर्जन जो है ऑटोकैड का दैट इज 2021 इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ब्राउज़र है गूगल है वहां पर आपको टाइप करना है डाउनलोड ऑटोकैड 2021 स्टूडेंट वर्जन सॉफ्टवेयर। देन आपके पास स्क्रीन पर इस तरीके की एक लिंक आएगी जिसमें फ्री सॉफ्टवेयर फॉर स्टूडेंट एंड एजुकेटर लिखा होगा। देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी जहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्रिएट अकाउंट क्रिएट करना है। आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद देन आपको आपके मेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगी। जब उस लिंक को आप वेरीफाई कर लेंगे आपका फाइनली जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा देन आपको यहां पर साइन इन करना है। इफ आपके पास ऑटोडेस्क का डायरेक्टली पहले से ही अकाउंट था तो देन आपको यहां पर ऑटोडेस्क का अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। आप डायरेक्टली साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑटोडेस्क की वेबसाइट पर साइन इन करेंगे देन आपको कुछ इस तरीके का एक साइन इन के लिए डायलॉग बॉक्स आएगा। एंड देन आप साइन इन करने के बाद आपको बता दूं कि कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो आपको सेलेक्ट करनी होती है ये इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर भी शो किया है। तो पहला यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आपको पर्सनल और इंडिविजुअल यूज सेलेक्ट करना है। एंड देन यहाँ पर ऑटोडेस्क का वर्जन ऑटोकैड का 2020-21 सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लीजिएगा कि 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। लैंग्वेज आप यहां से इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करोगे देन आपकी स्क्रीन में यहां एक सीरियल नंबर आपको दिखाई देगा प्रोडक्ट की दिखाई देगा। ये प्रोडक्ट की सीरियल नंबर आप किसी के साथ शेयर मत करिए क्योंकि ये आपका पर्सनली सीरियल नंबर एंड प्रोडक्ट की होगा, आप अपने लिए यूज करिए। एंड देन फाइनली आप देखेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी और ये सीरियल नंबर प्रोडक्ट की को कहीं पर आप सेव कर लीजिएगा। एंड देन बॉटम में आपको एक इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी एक exe फाइल डाउनलोड होगी और ऑटोकैड इंस्टॉल होना डाउनलोड एंड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब फाइनली ऑटोकैड डाउनलोड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट करेगा। एंड ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन जब कहीं आपके पास इंस्ट्रक्शन आएगा एंटर सीरियल नंबर एंड प्रोडक्ट की, देन आप सीरियल नंबर एंड प्रोडक्ट की एंटर कर दीजिएगा एंड नेक्स्ट 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 करते जाइए। फाइनली ऑटोकैड आपका इंस्टॉल हो जाएगा। डेस्कटॉप पर ऑटोकैड का एक आइकन आ जाएगा एंड प्रोग्राम में भी जाकर आपको ऑटोडेस्क फोल्डर के अंदर ऑटोकैड का एक आइकन मिलेगा। चलिए इसी चीज को मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ कि कैसे इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल करना है। सो मैंने यहाँ पर एक ब्राउजर ओपन कर लिया है और देखिए मैं यहाँ पर google.com पे यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ डाउनलोड ऑटोकैड 2021 स्टूडेंट वर्जन सॉफ्टवेयर। जैसे ही मैंने क्लिक किया नाउ आप देखेंगे यहाँ पर एक लिंक दिखाई दे रही है www.autodesk.com education free software autocad एंड देन आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे देन आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में टू ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है साइन इन, तो आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। और जिसके पास अकाउंट नहीं है मैं उसको दिखाता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर जाकर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है एंड कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जैसे सपोज आप इंडिया में रहने वाले हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए इंडिया, ये इंडिया सेलेक्ट किया। देन एजुकेशन में आप यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं। इफ़ यू आर एजुकेटर देन आप एजुकेटर भी सेलेक्ट कर सकते थे। देन आप स्कूल में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, आप जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी डिटेल्स इस तरीके से फिल कर दिए एंड देन नेक्स्ट मैं यहाँ पर करूँगा। नेक्स्ट में यहाँ पर ये पर्सनल डिटेल्स होगी तो पर्सनल डिटेल्स में आपको रिकमेंड करूँगा कि आप XYZ जो भी नेम है वो आप यहाँ पर फिल करिए, मेल आईडी फिल करिए, कन्फर्म मेल आईडी करिए एंड देन पासवर्ड। एंड देन आप देखेंगे यहाँ पर आपको फाइनली एग्री करना होगा एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे आगे आपको नेक्स्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको फिल करनी है। एंड देन आप एक मेल आईडी पर आपको एक वेरिफिकेशन ऑटोडेस्क की एंड से एक मेल आएगा, उस मेल आईडी पर जाकर आपको उस लिंक पर क्लिक करना है एंड देन आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। एंड देन फाइनली आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद जैसे ही मैंने आपको बताया था यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ
एंड नाउ मेरे पास में यहाँ पर देखिए एक साइन इन, यहाँ पर साइन इन ऑप्शन है, मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली साइन इन पर क्लिक करता हूँ। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे मेल आईडी, यहाँ पर तो मैंने मेल आईडी एंटर कर दी है, मेल आईडी के साथ में मैंने यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया है, जो भी मेरा पासवर्ड था वो ऑलरेडी यहाँ पर सेव्ड है, तो देखिए पासवर्ड भी मैंने एंटर कर दिया है। एंड देन फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में साइन इन मैंने कर लिया है। साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपका जो नेम है वो डिस्प्ले होगा, एज वेल एज यहाँ पर आप देखेंगे वर्जन आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे लाइक मैंने 2021 सेलेक्ट कर लिया है। एंड देन यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यहाँ 64 बिट कर लिया है। एंड जैसे ही आप यहाँ पर लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे देन आप देखेंगे स्क्रीन पर यहाँ पर आपको कुछ यहाँ सीरियल नंबर एंड प्रोडक्ट की जनरेट हो गया है। सीरियल नंबर एंड प्रोडक्ट की मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप किसी के साथ शेयर मत करिए, तो ये मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं इसको ब्लर कर दिया हूँ। एंड देन आप देखेंगे यहाँ फाइनली लास्ट में ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप या तो यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो यूजली जो सिस्टम से या फिर ज़्यादातर डाउनलोड कैसे करते हैं उनको नहीं आता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप डायरेक्टली इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करिए, और जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब कभी भी आपसे सीरियल की प्रोडक्ट नंबर स्क्रीन पर आएगा तो आपको सीरियल की एंड प्रोडक्ट नंबर जो है वो आपको जो जनरेट हुआ है वो आपको वहाँ पर एंटर कर देना है। तो आई होप ये एक प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं एंड इंस्टॉल करते हैं। फाइनली डाउनलोड होने के बाद सॉफ्टवेयर जब डाउनलोड हो जाएगा इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके डेस्कटॉप पर एक आइकन आएगा ऑटोकैड का, वहाँ से जाकर आप ऑटोकैड को स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके प्रोग्राम्स में भी ऑटोडेस्क फोल्डर के अंदर एक ऑटोकैड का एक ऑप्शन होगा, वहाँ से भी आप ऑटोकैड को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप इस क्लास में इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या स्टार्ट करने वाला हूँ। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शेयर करूँगा कैसे हम ऑटोकैड को स्टार्ट करते हैं और ऑटोकैड का बेसिक इंटरफेस कैसा होता है। तब तक आप ऑटोकैड को डाउनलोड करिए, क्योंकि ऑटोकैड जब तक डाउनलोड नहीं होगा आपको आगे नेक्स्ट क्लास में जो कुछ भी हम बताने वाले हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।